Hello everyone, today in this video we will discuss about the coordination in plants. In our previous videos we have discussed about the coordination in animals. So coordination in animal occur due to the nervous system. Kiski helps hota? Due to the nervous system, which contains the neurons or nerves and some nervous organ which contain your central nervous system, peripheral nervous system. So this was all about your animals. Ki animals ke paas nervous system hota hai, unke paas neuron hote hain, nerves hote hain, central nervous system hota hai and peripheral nervous system hota hai jo puri body mein cover karke rakhte hain, jo control and coordination karte hain. But what about the plants? Have you ever heard about that? About that plant also contain nervous system? Your answer will be no, because plant do not have any nervous system. Plant ke paas nervous system nahi hota hai. To plant kaise coordination karte hain? Students, plant ke andar nervous system nahi hota hai, par plant ke paas kya hota hai? Some chemical methods hote hain for the control and coordination. So let's start with the coordination in plant. So student, dekho, coordination in plants are of two types. Immediate response movement, that is also known as the gnostic movement, and other one is your tropic movement. So let's start with immediate response movement. So student, dekho, koi bhi movement hota hai, wo agar kaise hota hai, wo kisi na kisi stimulus ke response mein hota hai. Aapko pata hai, hamari body mein bhi kya tha, koi bhi movement ho raha tha, wo kisi stimulus ke response mein ho raha tha. Aur stimulus kya hai? Stimulus is just a change इन एनवायरनमेंट. किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आना जो हमारी बॉडी में क्या कर सके, कोई भी रिस्पॉन्स ला सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस. वही प्लांट में है. अगर कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी चेंज जो प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट लाता है, उसे हम उसके लिए क्या कहेंगे, स्टिमुलस. तो प्लांट मूवमेंट भी किसके रिस्पॉन्स में होगा, इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम स्टिमुलस. बट ये कैसा होगा, प्लांट आप उसको कोई भी स्टिमुलस दो, चाहे वो लाइट हो, इट कैन बी लाइट, टच, कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, वो आपको क्या देगा, कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा. प्लांट क्या देगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा. अब आप बोलोगे कि इसके पास तो नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे देगा प्लांट. तो स्टूडेंट देखो, क्या हो सकता है, जैसे ही आपने कोई रिस्पॉन्स दिया, प्लांट के अंदर कोई केमिकल सिक्रीट हुए और उन केमिकल्स की वजह से प्लांट के किसी भी पार्ट ने क्या चेंज कर ली, अपनी शेप चेंज कर ली, साइज चेंज कर लिया इमीडिएटली, उसे हम क्या कहते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स मूवमेंट या फिर नास्टिक मूवमेंट. देखो इसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग. टच मी नॉट प्लांट का नाम शायद आपने सुना होगा, मिमोसा पिट्यूका, जिसे आप छुई मुई भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही आप इसकी लीव्स को टच करते हैं, जैसे ही हम इसकी लीव्स को टच करते हैं, इसकी लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है अपने आप. देखो अब आपका स्टिमुलस क्या था, टच. इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया प्लांट ने कि उसकी लीफ क्या हो गई, क्लोज हो गई, ड्रॉप डाउन हो गई. तो ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स मूवमेंट, जिसको आप कहते हैं नास्टिक मूवमेंट. आई थिंक अब आपको समझ आएगा. अब देखो ये बताओ कि ये लीफ जो क्लोज हुई है, इनके अंदर कोई ग्रोथ वगैरह हुआ है, तो एकदम इमीडिएट हुआ है. इमीडिएट में आप ग्रोथ की तो का सोच ही नहीं सकते. तो इस मूवमेंट के अंदर ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व, प्लांट कोई ग्रोथ शो नहीं करता है. अब देखो मैंने बोला स्टिमुलस कुड बी लाइट, टच, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, बस आपको स्टिमुलस चाहिए. बिना स्टिमुलस के आप कभी भी कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो देखो अगर ये लाइट होता है तो इसका नाम हो जाएगा फोटोनास्टिक मूवमेंट. फोटोनास्टिक मूवमेंट, फोटोनास्टिक देखो आपको पता है सनफ्लावर जो होता है, हमारा सूरजमुखी का जो फूल होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपको डे टाइम होता है उसे प्रॉपर लाइट मिलती है, वो खिल जाता है. जब नाइट टाइम होती है तो वो बंद हो जाता है. तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है वो लाइट के. टच होता है स्टूडेंट्स थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक यानी थिग्मो इज यूज फॉर द टच. अब देखो थिग्मोनास्टिक में ही आता है आपका टच मी नोट प्लांट वाला,
और इसको एक स्पेशल टर्म दिया है इस मूवमेंट को, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट। इसे और क्या कहते हैं, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, तो आपको क्या बताना है, मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। किसी भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में, टच के रिस्पॉन्स में, उसे हम क्या कहते हैं, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो अब देखो, टेम्परेचर अगर होगा तो आपको पता है टेम्परेचर के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, थर्मोनास्टिक मूवमेंट। सो दीज आर सम नास्टिक मूवमेंट जो क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही इमीडिएट होते हैं। ये किसी भी स्टिमुलस के साथ ही हो सकते हैं, स्टिमुलस कैन बी लाइट, टच, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही इमीडिएट होने के बाद इनके अंदर क्या होता है, कोई केमिकल रिस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से प्लांट अपने शेप चेंज कर देते हैं, ग्रोथ इनमें होता ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल इज योर सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसमें आपने देखा टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा प्यूटिका। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप टच करते हो इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं इमीडिएटली। तो अब देखो कैसे होता है, अगर समवन विल आस्क यू द मैकेनिज्म ऑफ टच मी नॉट प्लांट, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट, सो व्हाट विल यू टेल हिम। सो देखो क्या होता है कि ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है, इसके ऊपर इसकी जो वेन होती है, यहाँ पहले इसके पास इस तरह से इसमें लीव्स होती हैं। कहीं भी अगर आपके आसपास ये प्लांट है तो आप लोग प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए, उसकी इस तरह से ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होती हैं। तो ये जो पार्ट होता है इस तरह से, और इसके ऊपर जो लीव्स है, स्टूडेंट इसे कहते हैं हम पल्विनस, इसे क्या कहेंगे, पल्विनस। और ये क्या है, लीफ है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका आपने टच किया, आपने सपोज इसके लीफ को टच किया, इसमें क्या रिलीज होगा, केमिकल आएगा। केमिकल की वजह से ये जो पल्विनस रीजन होता है, जो इसको होल्ड करे रखा हुआ है, ये पानी लॉस कर देता है। यहाँ से पानी का क्या हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। अब पानी का लॉस हो गया, वाटर का लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये पल्विनस की सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या होता है, यहाँ पे एग्जोस्मोसिस हो जाती है, जिससे श्रिंक हो जाती है। अब आपको पता है ये जैसे ही पानी लूज करेगी, तो पहले रिजिड थी, अब इसने पानी लूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ड्रूप डाउन, नीचे की तरफ झुक जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि ये बंद हो गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, और इसके लिए हम एक टर्म देते हैं, पानी के लूज की वजह से ऐसा हुआ है, तो हम बोलते हैं ड्यू टू द टर्गर प्रेशर डिफरेंस, टर्गर प्रेशर डिफरेंस, कि यहाँ पे पानी कम होने से यहाँ टर्गर प्रेशर कम हो गया और पानी यहाँ चला जाता है, जिससे यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि टर्गर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ सिज्मोनास्टिक मूवमेंट एंड द इमीडिएट रिस्पॉन्स मूवमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर ट्रॉपिक मूवमेंट। सो स्टूडेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज जस्ट अपोजिट टू दिस नास्टिक मूवमेंट। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, अगर वो इमीडिएट था तो ये क्या होगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा, दिस इज अ स्लो रिस्पॉन्स। ये भी किसके अगेंस्ट होगा, किसी ना किसी स्टिमुलस, बिकॉज बिना स्टिमुलस आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। ये आपको याद रखनी है, वेदर प्लांट हो चाहे एनिमल हो, विदाउट एनी स्टिमुलस आपको कभी भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो स्लो रिस्पॉन्स होता है, और किसके अगेंस्ट होता है, किसी ना किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। अब वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है प्लांट पार्ट की, पर यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ग्रोथ होने में आपको पता है टाइम लगेगा, इसीलिए कैसा है, दिस इज़ अ स्लो रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें ग्रोथ होनी है। तो अब देखो यहाँ पे भी स्टिमुलस क्या आएंगे, आपकी लाइट, योर केमिकल्स, ग्रेविटी, दीज आर द
दीज आर द स्टिमुलस। तो अगर जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अब देखो ये है ट्रॉपिक मोमेंट, तो क्या लगाएंगे फोटो, लाइट के लिए फोटो टर्म फोटोट्रॉपिक मोमेंट, केमिकल के लिए कीमो कीमोट्रॉपिक मोमेंट, ग्रेविटी ग्रेविटी के लिए यूज करेंगे हम जियोट्रॉपिक मोमेंट। जियोट्रॉपिक एक होता है वाटर के रिस्पॉन्स में, उसके लिए यूज करेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट। देखो अब क्या हुआ है, दिस वॉज अ स्लो रिस्पॉन्स एंड दिस वॉज द फास्ट रिस्पॉन्स, दिस इज बोथ आर अगेन ड्यू टू सम स्टिमुलस। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व क्या हुई है, हुई है, पर यहाँ ग्रोथ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी क्योंकि बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स था। यहाँ पे जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक, केमिकल के रिस्पॉन्स में कीमोट्रॉपिक, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जियोट्रॉपिक एंड वाटर के रिस्पॉन्स में इस हाइड्रोट्रॉपिक। तो देखो अब क्या होता है इनमें, इनका जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इन दिस वीडियो आई विल गिव यू सम क्लू ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कल जब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करें तो आपको क्लियर हो जाए। देखो क्या होगा, इसमें आपका कोई भी एक प्लांट पार्ट है, जैसे उसे आपको अगर आप उसे लाइट दे रहे हो सिर्फ एक डायरेक्शन से, तो वो प्लांट पार्ट आपको ग्रोथ शो करेगा सिर्फ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसे लाइट मिल रही है, वो उधर की तरफ झुक जाएगा लाइट की डायरेक्शन में। इसी को ही स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मोमेंट। अब इसके अलावा क्या कीमोट्रॉपिक में भी सेम होगा, अगर प्लांट को कहीं पर्टिकुलर पोजीशन से कोई केमिकल मिल रहा है तो प्लांट अपनी ग्रोथ कहीं कहाँ पर शो करेगा उस केमिकल के रिस्पॉन्स में। ग्रेविटी आप सभी को पता है, अगर देखो रूट जो होती है, चाहे प्लांट को आप कैसे भी रख दो, अगर मैंने एक प्लांट को उल्टा मतलब हॉरिजॉन्टली रख दिया वर्टिकल की जगह, तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि उसकी रूट हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो करेगी, जबकि उसके स्टेम किधर की तरफ ग्रो करेगी, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, क्योंकि जो आपका स्टेम होता है वो ग्रेविटी को अपोज करता है और रूट हमेशा ग्रेविटी के साथ रिस्पॉन्स शो करती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। अब देखो पानी आपने देखा होगा, अगर कोई समुद्र होता है, नदियाँ होती है जो सी ओशंस वगैरह होते हैं, या फिर रिवर्स, चलो सबसे अच्छी है रिवर की बात करते हैं, रिवर के जो सराउंडिंग में, रिवर के बैंक पे, उसके किनारे पे जो भी पेड़ वगैरह लगे होंगे, आप कभी उनको निकाल कर देखना, उनकी रूट उधर की तरफ मुड़ी हुई मिलेगी आपको जिधर आपकी रिवर थी, क्योंकि रूट हमेशा किधर की तरफ ग्रो करती है जहाँ उसे पानी ज़्यादा मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नास्टिक मूवमेंट। आई होप आपको नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट क्लियर हुआ होगा। देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट वी विल कॉन्टिन्यू विद इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आई होप आपको नास्टिक मूवमेंट, स्पेशली सिज्मो नास्टिक मूवमेंट क्लियर हुआ होगा, दैट वॉज इन द टच मी नॉट प्लांट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।